नमस्कार, शाकानव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। कांदिवली और बोरीवली उपनगर के डॉक्टर आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता के युवा रेसिडेंट डॉक्टर के खिलाफ किए गए जघन्य अपराध की कड़ी निंदा की। इनका कहना है कि सभी चिकित्सा समुदाय के साथ एकजुटता में हम इस गंभीर अन्याय का विरोध करने के लिए देश भर में सेवाओं को वापस लेने का समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने सभी सदस्यों से 24 घंटे की हड़ताल करने की अपील की, जबकि आवश्यक सेवाओं और कैजुअल्टी वार्ड चालू रह सकते हैं। नियमित ओपीडी बंद रहेगी और वैकल्पिक सर्जरी स्थगित रहेगी। इन्होंने सभी डॉक्टरों से न्याय और पेशे की सुरक्षा के लिए इस लड़ाई में भाग लेने और एकजुट होने का आग्रह किया। इसके लिए इन्होंने आज सुबह सरदार वल्लभ भाई पटेल स्विमिंग पूल MG रोड कांदिवली पश्चिम से हिंदुस्तान नाका कांदिवली पश्चिम तक विरोध रैली निकालने का फैसला किया था। आइए देखते हैं डॉक्टरों का क्या कहना है। घटना को नहीं मिल पा रही है तो हमारी प्रोटेस्ट से डॉक्टर लोग और डॉक्टर से ज़्यादा एक महिला के ऊपर हुआ जो अमानुषीय हत्याकांड हुआ है उसके खिलाफ हम निदर्शन कर रहे हैं। आप बताएंगे कि ये कहाँ से शुरू हुई रैली और कहाँ? आज की रैली हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जलतरण तालाब से शुरू हुई है। ठीक 10:30-11 बजे हमने रैली शुरू की है। वो रैली लगभग 12:30-1 बजे तक हिंदुस्तान नाके तक आई है। ये रैली में लगभग 200 से 250 डॉक्टर शामिल हुए थे। और अभी हम आप आपका नाम बताइए। डॉक्टर मदन बी गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे आप? ये चाहते हैं, हमारा ये संगठन ये चाहता है इस डॉक्टर महिला डॉक्टर साथ जो भी ये अमानवीय घटना हुई है उसको न्याय मिलना चाहिए। जल्दी से जल्दी लोग जो इसके पकड़ में आने चाहिए उनको एक उचित सजा जो है वो है मिलनी चाहिए। आज सारे क्लिनिक्स बंद है मुंबई में, आप जहाँ पे भी देखिए आज OPD शुरू नहीं है, इसके बारे में भी आप क्या कहें? हाँ, जैसे मैं डॉक्टर RP सिंह गणेश नगर प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं आज हमने अपना क्लिनिक बंद किया हुआ है, सिर्फ एक हमारी महिला डॉक्टर साथ में ऐसा जो जघन्य हत्या की गई है उसका हम लोग सघन विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कैसी दोबारा वारदात न हो, इसके लिए हम लोग रोड पे आए हुए हैं। आपका नाम बताइएगा। आई एम डॉक्टर नाजमीन हाशमी। और मुझे ये बताइए कि महिला के साथ में जो हॉस्पिटल्स में भी व्यवहार होते हैं, ये तो अभी जो हुआ है वो तो बहुत भयानक है, लेकिन ऐसे भी व्यवहार होते हैं जिसके लिए डॉक्टर्स परेशान रहती है। आप भी एक डॉक्टर है, आप कैसे कुछ फेस करती है ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो इतनी मेहनत करके बच्चे पढ़ाई करते हैं, 12th में आप लोगों ने जैसा कि देखा नीट में कितना कंपटीशन, इतना मेहनत करने के रात दिन पढ़ाई करने के बाद एक डॉक्टर बनने के बाद इस तरह से व्यवहार डॉक्टर्स के साथ, ये बहुत ही बुरा है। हम तो आज टेंशन में है कि हमारे बच्चों को हम नाइट ड्यूटीज़ करने कैसे दें, और जो नर्सेज जो जाती हैं हम उनको कैसे अलाउ करें, क्योंकि उनके साथ पहली बात तो इतने आवर्स की ड्यूटीज़ दी जाती है, 30-30 घंटा 36 घंटा। जिस डॉक्टर की रेप किया गया और हत्या किया गया वो 30 घंटे की ड्यूटी पे थी, 36 घंटे की, उसके बाद वो जस्ट रेस्टिंग के लिए गए और उसके साथ ऐसी घटना हुई। तो आप बताइए कि हम अपने बच्चों को बोलते हैं पढ़ो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम कैसे, हम कहाँ सेफ हैं? गवर्नमेंट को इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि लड़कियाँ हर जगह सेफ हो। हम मुंबई क्या पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में रात के 12 से 1 बजे भी निकले, क्योंकि देखिए हर घर में बेटा नहीं होता, हर घर में भाई नहीं होता, कहीं ना कहीं औरत अकेली होती है, तो वो सेफ होनी चाहिए। वो रात में निकले तो वो अपने आप को सेफ महसूस करे हर एरिया में। इवन पुलिस कांस्टेबल जो फीमेल होनी चाहिए, हर, मैं तो बोलती हूँ हर पेशे में आजकल फीमेल्स हैं। मैं तो ड्राइवर्स देखे हैं, ट्रक ड्राइवर्स फीमेल, तो वेर आज भी हम आज ये रैली निकाल के मुझे इतना अफसोस हो रहा है ना कि ये एक डॉक्टर के साथ हत्या हुई है, लेकिन आए दिन हम ऐसे रेप कांड सुनते रहते हैं। पर ये क्यों, ये कब एंड होगा? ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो उस लेडी के साथ हुआ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले और जल्दी ले। गवर्नमेंट आप लोग को सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट अब तक तो क्या एक्शन ले रही है पता नहीं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में इतने लोगों ने अटैक्स किए हैं तो कहीं ना कहीं एविडेंस भी छुपाने की कोशिश की जा रही है, तोड़ी जा रही है। मीन्स आप ये सोचो कि कहाँ है पुलिस, क्या करती है CBI, मतलब लोग ऐसा कर भी कैसे पाते हैं। और सबसे बुरी बात तो इंडिया में सज़ा इतनी लेट क्यों होती है, क्यों नहीं? मैं तो बोलती हूँ अगर कोई भी जो गुनहगार है उसको इतने पत्थर मारे पब्लिक इतने जब तक वो मर ना जाए, जिस तरह के सऊदी में और फॉरेन कंट्रीज में गल्फ में रूल है, मैं तो बोलती ऐसे ही रूल होना चाहिए। उनको फांसी की सजा तो बहुत छोटी सजा है, ऐसी छोटी सजा नहीं, वो बहुत बड़ी सजा के लायक है। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आज मुझे एक
अफसोस हो रहा है कि मैं इस रैली की पार्ट हूँ, क्योंकि मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, नॉट एक डॉक्टर के लिए बट इस जितनी भी फीमेल्स हैं उन सब के लिए। और आज तक फीमेल के साथ में जितने भी हादसे हो रहे हैं, आए दिन जो हम लोग रेप के केसेस सुन रहे हैं और उसके बारे में दो तीन दिन हम जोश में बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारा डिस्कशन करते हैं, बहुत एंथू दिखाते हैं और फिर हम बैक टू नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है ताकि वो प्रोग्रेस कर सके, उनकी सेफ्टी रहे, लेकिन कहाँ है सेफ्टी? और डॉक्टर को भी कौन सी फैसिलिटी दी जा रही है? सिर्फ उनसे काम लिया जाता है। जब आपको कोविड में ज़रूरत है, आपने डॉक्टर को बुला लिया, उनसे अंधाधुंध काम करवाया, उसके बाद कौन डॉक्टर, कौन सी फैसिलिटी? आदि कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसको ट्रेन में जाने के लिए फैसिलिटीज़ मिलती है, बट कौन सी डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स की तो कोई कीमत ही नहीं है, सिर्फ पेशेंट के लिए वो सर्विस करने के लिए बैठे हैं। हम मना नहीं कर सकते, हमारे पास 12 बजे रात को फ़ोन आएगा, हमको अवेलेबल रहना, हमें सब कुछ करना है, लेकिन जब हमारी सेफ्टी की बारी आती है तो आप कहाँ जाते हो? आप क्यों सो जाते हो? आपको क्यों नहीं दिखाई देता है? सी, आज वो लड़की के साथ हुआ, कल के वो किसी और की बेटी हो सकती है, वो किसी मिनिस्टर की बेटी हो सकती है, लेकिन हाँ, मिनिस्टर की बेटी होगी तो उसके लिए एक्शन लिया जाएगा, डेफिनेटली लिया जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसा है, पावर है। लेकिन हमारे पास अगर पैसा पावर नहीं है तो हमारी चीज़ों को दबा दिया जाएगा। आपको सच बोलने के लिए सिखाया जाता है लेकिन सच को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो ये बहुत रेडिकुलस और बहुत ही यू नो शर्म की चीज़ है कि कहाँ जा रही है। जहाँ हम एडुकेशन, जहाँ हम इक्वालिटी की बात करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी गंदी मानसिकता के लोग होते हैं। कुछ लोग की मानसिकता गंदी होती है और कुछ लोग किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी से बदले की भावना में इस तरह से गंदा काम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले और उसके ऊपर कुछ ना कुछ आना चाहिए और डॉक्टर्स को भी सेफ्टी प्रोवाइड की जानी चाहिए। कल को कोई डॉक्टर हो तो रोता नहीं रहे, उसके माँ बाप उसके बच्चे को नेकेड कंडीशन में नहीं देखे, बड़ी ही शर्म की बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आक्रोश जो है, और महिला की सेफ्टी की जब बात आती है तो ऐसे ही जो है वो हर जगह पर, ये ज़रूरी नहीं है कि जो महिला है वो एक बोलते ना यंग एज में हो, 2 साल की बच्ची है उसके साथ में भी रेप होता है, डॉक्टर से तो भी रेप हो रहा है, बुज़ुर्ग है तो भी रेप हो रहा है। सख्त जो कार्रवाई है होनी चाहिए, कोर्ट को जो निर्णय है वो तुरंत देना चाहिए, वो अभी भी नहीं हो रहा है। सिस्टम की खामियां हैं जिसके वजह से जो डर है वो अभी भी लोगों में नहीं है। जो मेल में एक पावर होती है कि हमें औरत को दबाना है, डोमिनेट करना है, उसकी वजह से ये सब होता है और ये बहुत ही दुखद हुआ है जो डॉक्टर के साथ हुआ है। आइए, आपका नाम बताइए। डॉक्टर केवी कोटियानू, ये आकांदी राज डॉक्टर का प्रेसिडेंट है। ओके सर, आप बताइए कि कैसे, मतलब आप पता है मुंबई में भी जो है अभी इसको लेकर काफ़ी जगह पर रैली हो रही है, लेकिन दिख नहीं रहा है ऐसे कुछ कदम। कोलकाता में भी दिख रहा है कि विटनेस जो है वो चेंज हो रहे हैं, दीवारें तोड़ी जा रही है, चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? ये इसमें क्या है, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है जो कल्प्रिट को, ये पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अनलेस अनटिल तो गवर्नमेंट जो है वो लोग के ऊपर सख्त कार्रवाई दी है, जैसे अभी इधर लिखा गया है डॉक्टर के खिलाफ हिंसा के गैर जिम्मेदारी अपराध बनाया जाए। हाँ ओके, वो ऐसा वाला कुछ लॉ आता है, लेजिस्लेशन आता है, तभी ये लोग थोड़ा डरेंगे और जो क्राइम करना तो बंद करेंगे। अदरवाइज क्या है, आज ये लोग अरेस्ट कर दिए, कल जमानत पे छुड़ा दिए, तो यही बात होता है। तो बिल्कुल आपका कहना है कि जो लॉ बन रहा है लॉ में चेंजेस होने चाहिए, होना चाहिए। अनलेस एंटी डॉक्टर के लिए वैसा लॉ नहीं लेके आएंगे तो ये दबेगा नहीं, हमेशा चलता रहेगा। आप देखे होंगे बॉम्बे में किधर अभी पेशेंट की डेथ हो जाता है, वो एंड स्टेज में आया तो भी डेथ होएगा तो तोड़फोड़ चालू करते हैं। ये सब होना नहीं चाहिए, तो होएगा तो ऐसा वाला अपने को लॉ रहेगा तो वो लोग को सेफ्टी मिल जाएगा। तो मेरा ये कहना है ऐसा वाला स्ट्रिक्ट लॉ लेके जाए, लेजिस्लेशन लेके जाए, ताकि डॉक्टर अपना आपको सेफ महसूस किया जाए। थैंक यू। और कोई ये बोलने के? बोल, यहाँ भी तो यही पे पहचान पे ठंड नहीं चले, नहीं नहीं सो क्या डॉक्टर। हम डॉक्टर ए आर खान गणेश नगर कांदिवली से, मेरा बस यही बोलना है कि जो भी घटना हुई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करी जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही एक गंभीर अपराध है, हत्या हुई है, रेप हुई है, महिला डॉक्टर की 36 घंटे काम करने के बाद रेस्टिंग पीरियड में
36 आवर्स काम करना, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो 8 घंटे के बाद में लंच ब्रेक भी वो सही अपने समय पे लेता है, ड्यूटी ख़त्म होने के बाद में कोई काम नहीं करता। लेकिन डॉक्टर्स जो दिन रात, अगर आपका फ़ोन रात को भी आए तो उन्हें अब उसको अटेंड करना होता है, पेशेंट को देखना होता है। ऐसे में एक महिला डॉक्टर के साथ जब रेप होता है, उसकी निर्मम हत्या होती है, और क्या क्या होता है उस डॉक्टर के साथ में हम नहीं बता सकते, कि बताते वक्त भी ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या ऐसे भी इंसान आज मौजूद है जो ऐसी हैवानियत की हरकत करेंगे। ऐसे में कांदिवली के डॉक्टर्स जो है उनकी एसोसिएशन ने आज रैली निकाली थी, उन्होंने आज अपने क्लिनिक्स बंद रखे हैं, आज विरोध किया है, वो सपोर्ट में खड़े हैं उस महिला के कि चेंजेस होने चाहिए, प्रशासन को जागना चाहिए, डॉक्टर्स के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनकी सेफ्टी के लिए जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उन पर कुछ और डेवलपमेंट होनी चाहिए, सेफ्टीज और बढ़नी चाहिए। और इसी के साथ में हम ये वीडियो एंड करते हैं। हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं खुशी नायक, फखरुद्दीन हाशमी के साथ शाकानो न्यूज़।